सांबर आधर मोरे सकल गोपियों के मन हरम यमुना के दुआगे सकल गोपियों के मन हरम पीतवा कर करुण वाहन चरण सुखनित सागर पीतवा कर करुण वाहन चरण सुखनित सागर कलोर भवन जागर अमर अमर अनिचल सुम अपरावरम दीननाथ दयाल गिरधर संत हरनाथ गिहरम दीननाथ दयाल गिरधर संत हरनाथ गिहरम जल फूल मार विशाल लोचन अधिक सुंदर जल फूल मार विशाल लोचन अधिक सुंदर पंच कर बसु देव चलियो बनि चलो हरि पावनम पंच कर बसु देव चलियो बनि चलो हरि पावनम जल सुबर गजरात लीनो संगा के दो शहीद बजा दो शहीद बजा दो जो सामने मौत के खाद उतार दो भवन में हल चढ़ा दो इसका यह मुद्दा कनकगढ़ के महाराज जहां मिले पकड़ कर लिया जनकगढ़ के महाराणा कहां भी नहीं पकड़ कर लिया जनकगढ़ के महाराणा भगत सिंह के खिलाफ बगावत की उनके साले मंगल सिंह ने महाराणा जान बचाने के लिए जिधर भागे मंगल सिंह ने उनका पीछा किया चारों तरफ तबाही थी शहर में कोहराम मचा हुआ था मगर मंदिर में सन्नाटा था पुजारी भगवान को अकेले छोड़ अपनी जान बचाने की फिक्र में भाग गए के छींके बतलाते थे कि घायल महाराणा यहीं कहीं आकर छुपे हैं वो भी वक्त आ गया है बलदेव कि ये ताज महताज है देखिए महाराज इन कपड़ों में हम नहीं पहचाने जा सकते अब कौन कह सकता कि मैं राजकुमारी हूँ लड़की बोलिए लड़का दिखाई देती हूँ या नहीं अब तो मुझे जाने की आज्ञा दी अच्छा जाओ मगर ख्याल रहना हम यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकेंगे कहीं और जाकर छुपना होगा इसलिए मानो अगर भरत सिंह के मन में भी अगर वो भी हमारी मदद को न आए भरत सिंह मेरा भाई मंगल सिंह जी तो मेरा भाई है महाराज दौलत माँ के दूध की याद भुला देती है छीनने वालों की प्यार राजगद्दी से नहीं राजगद्दी के वारसों का खून बहा कर मिटा करती है घबराती क्यों है महारानी मंदिर की आड़ में छुपे हैं भगवान का आसरा लिया है वो जरूर सहायता करेगा भगवान प्यारे हाथ कट गया अब हाथ जोड़ने से बच गए शामत नहीं कर सकते सहायता करनी हो तो करना अच्छा मुझे आ जाओ
जाओ बेटी, मगर सुनो, कहीं जो तुम्हारे घायल पिता ने कम तोड़ दिया तो महारानी तो जलकर साथ भी हो जाएंगे। फिर इस नन्ही कमला का तुम्हारे ऐसी बातें मुंह से ना निकालिए महाराज। सुदर्शन के चलाने वाले सोचता क्या, सुदर्शन के चलाने वाले उठे अब बिगड़ी बना, बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना, बिगड़ी बनाने वाले सोचता क्या। कौन गा रहा है? जब टूट पड़े सर पे, जब टूट पड़े रंगों की वट के पहाड़, साज रख के उठाने वाले साज रखते हैं गवर्धन के उठाने वाले सुदर्शन के चलाने वाले। आज भगवान को पुस्तक सात शागिर्द कहने आए हैं। इसका नाश हो फिर रात रचाना कैसा, रात रचाना कैसा, नाश हो फिर रात रचाना कैसा, रात रचाना कैसा। अब तो तलवार पकड़ बंसी बजाने वाले, अब तो तलवार पकड़ बंसी बजाने वाले सोचता क्या, है सुदर्शन के चलाने वाले उठे अब बिगड़ी बना, बिगड़ी बनाने वाले सोचता क्या। इधर आ रहे हैं, ले जाओ। Thank you.
देखो सरवर सिंह, जहां मोर नाचते थे हम वहां गेट मुंड ला रहे हैं। महाराज खबर मिली है। क्या? मंदिर की आड़ में जो गुफा है शिकार वहां छिपा हुआ है। महारानी रथ तैयार। मगर महाराज तैयार नहीं बलदेव, वो अपनी पूजा में मगन है। मंगल सिंह यहाँ छुपे बैठे हैं महाराणा भगत सिंह। भैया भैया ये बहनू, ताकि बहन को पहचान न सकूं इसलिए। महाराज पूजा में मगन है। तो अच्छा है, सीधे स्वर्ग में पहुंचेंगे। भक्ति करते किस लिए? मंगल सिंह ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए तुम्हें शर्मानी चाहिए। ये हाथ रंगोगे हमारे खून से, ये हाथ जिसमें बहन राखी बांध चुकी है, ये हाथ जिसकी बलाएं नहीं उठाएंगे तलवार आगे हाथों पे। मंगल सिंह तुम्हारी मिसाल से दुनिया भाई बहन के रिश्ते की हंसी उड़ाएगी। मंगल सिंह तेरी मिसाल मर्दानगी के ऊपर कलंक का टीका बन के रह जाएगी। मंगल सिंह महाराज की समाधि बंद ना करो, पूजा खत्म होने दो, कोई ये ध्यान ना करो। मंगल सिंह देखो बहन झोली फैलाए भीख मांगती, बहन की लाज रख लो मेरी खाली झोली। के मेरी हंसी उड़ाने वाले भगवान, हम दुखे और तेरे घर में शादी आने बजने लगे। नहीं नहीं, तू पूजा नहीं मना सकता। ये दुनिया वाले ये कपटी ये चाहते हैं कि शंख और नखारों की आवाज से तेरे कान बहरे कर दे, कि हम मजलूमों की आवाज तेरे कानों तक ना पहुंच सके। महाराज राजकुमारी अपनी छोटी बहन को लेकर भेस बदलकर नदी पार कर रही थी, पकड़ी गई और दोनों के साथ तन से जुदा कर दिए गए। मंगल सिंह ने आज महाराणा की महारानी उनके दास उनकी दासी सबको माफ के खाट उतार दिया। खानदान का कोई नाम लेवा न रहा, हमने इस वंश का दिया बुझा दिया। शुरू फेंके राजकुमारी, ये ताज सर निगल जाया करते हैं, ये ताज सर निगल जाया करते हैं। महारानी को ना जगा राजकुमारी, महारानी को ना जगा राजकुमारी, अभी अभी आग लगी है, अभी अभी आग लगी है। Mm-hmm.
रहमान भूखा है। हाँ राजे, मानोगे। देखो वो माँ बच्ची का भूत है ना,
उससे लगी सो रही थी, किसी बदनसीब ने फेंक दिया है। ये है कौन? अरे ऐसे से पूछ, मुझसे क्या पूछती हो? बोला तू? अरे वाह, बच्ची जन्ना नहीं जानती तो बच्चों से बात करना तो सीखो। अरे कौन है री तू? आज से ये मेरी बेटी है। बेटी न जाने किसके घर का कूड़ा है जो किसी ने फेंक दिया, तुम उठा लाए। कूड़ा न कहो कबूतरी, कबूतरी जी ये तो रतन है जो किसी बदनसीब ने घर से फेंक दिया, और हम किस्मत वाले हैं जो हमारे हाथ लगा। अरे जा जा ढोलक बजा, बिरादरी में गुड़ बांट, ढोलक बजा, सबसे कह दे कि भगवान ने हमें बच्ची दी है। हमें चाचा जी आप मेरी चिंता ना करें, जितनी जल्दी हो सके फौज लेकर जाइए और जनक घर को मामा मंगल सिंह के कब्जे से छुड़ाइए। माने भेजा ढोल चलाने, ढोल ले गए बन में, मैं ढोल ले गए बन में, यही कहीं मौके मिल जाए, यही कहीं मौके मिल जाए। सोच रही थी मन में, पर सोच रही थी मन में कि देखा क्या, देखा क्या दूर खड़े मुस्कुराते हैं, दूर खड़े मुस्कुराते कुछ समझी ना भाई, ना मैं कुछ ना समझी, अरे कुछ तो समझी, तेरी कसम मैं कुछ ना समझी। मेरा पीतल का कंगन नावा
जलता था तो दारू से कलेजा ठंडा कर लेता था। आज से दारू बंद। क्यों मोरनी? कबूतरी से मोरनी बना दिया आज। जन्नो, जब तू झाड़ू लेकर यूं चलती है तो सचमुच मोरनी दिखाई देती है। सुना मोरनी, आज से दारू पीना बंद। मैंने सब सुन लिया। तुम्हारा कलेजा तो गंगा ने आकर ठंडा कर दिया, मगर मैं क्या करूं? जिसके मन की अग्नि चिंगारी को देखकर हमेशा फुलकती रहेगी। गंगा की माँ? माँ? अब किस किस की माँ बनूंगी मैं इस घर में? देख, तू इस लड़की को देखकर इस तरह चलती रही तो पछताएगी, और झगड़ा झाझा किया तो क्या कर लोगे? बावली, करूँगा क्या, समझाता आया हूँ और समझाता रहूंगा। देख देख, रूठ मत जन्नो। आज तो ये सुरमा, हाय जन्नो, हाय जन्नो। प्यार से हमको, हाँ प्यार से हमको कलेज से जन्नो, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए। जाओ जी जाओ, हाँ जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ, बताओ सी बातें, तुम ना बनाओ तो कौन बनाए, तुम ना बनाओ तो कौन बनाए, तुम ना बनाओ तो कौन बनाए। सावन की ऋतु हर तो हरियाली, सावन की ऋतु हर तो हरियाली, मस्त हुई है डाली डाली, मस्त हुई है डाली डाली, ऐसे में जनिया कली मोरे मन की, ऐसे में जनिया कली मेरे मन की, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए, तुम ना खिलाओ तो कौन खिलाए। मेरे नमक मेरे मोती, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए, तुम ना लगाओ तो कौन लगाए। देखो ना दिल तोड़ो अपने पिया का, देखो ना दिल तोड़ अपने पिया का, रहने दो जाओ रहने दो आज सुना दिया का, रहने दो आज सुना दिया का। साज हमसे बजे हैं, जो के जो साज हमसे बजे हैं, वो हम ना बजाए तो कौन बजाए, हम ना बजाए तो कौन बजाए, हम ना बजाए तो कौन बजाए। दो रोटियां हलक, तेरा पेट है या कुआं, भरेगा या नहीं, चल तू हट।
पहले आना था तो मेरे पेट से जन्म लेना था। क्या मत सो जा, जाती है कि नहीं? आराम से आ। क्या हुआ? जरा बादल गरजा और फूल कुमारी का नाजुक हैया धड़कने लगा। क्या बाप आज रिपट लीजो, मेरे गले मत पर चल। चुप हो जा। बिजली से जान निकलती है ना तेरी। चल तुझे आंगन में खड़ा करूं। जी चाहता है तेरी हड्डियां को जल कब जा। क्यों जन्नो? क्या हो रहा है? गंगा को अभी खाना खिला के सुलाया है। ना सो गई? हाँ सो गई। जन्नो ये सावन का महीना और तैने हार श्रृंगार नहीं किया। किसके लिए करूँ हार श्रृंगार? सुखिया अभी जीता है मगर दुखिया को मौत नहीं आती। ये गंगा की आगे सवाल तो तूने झूठ बोला, कहा गंगा सो गई। सच बोलू सो गई थी मेरी। अरे तो से सोई कमल नीकर कटि पीतांबर सादर मोरे नीर कुंदन कर ले कुटिया सावे राधे वरम मूल यमुना। देखो वो मिस्टर की छोकरी बेधड़क मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र करती हुई चली जा रही है। है रुकती, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। नहीं गंगा, गंगा, खबरदार ये तूने क्या किया मेरी बच्ची? नीचे उतर, नीचे उतर। ठीक पर नीचे उतर गंगा। जिस भगवान को गीत सुनने की आदत पड़ गई हो उसे रोना नहीं भाएगा। बदमाश, एक तो अछूत, दूसरे अपराधी, और उस पर ये हिम्मत कि हमारे सामने यूं पत्थर करो। मंदिर की सीढ़ियां पवित्र हुई? जवाब दे। ये मंदिर वाले से पूछिए, गंगा के मासूम पांव लगने से उस भगवान के मंदिर की सीढ़ियां पवित्र हुई। सुना है जिसने भीलिनी के जूठे बेर खाए थे। चुप चांडाल, उससे शास्त्रार्थ करने लगा। सजा तो देंगे ही परंतु ब्राह्मण श्राप ही देता है। महाराज जो ये नन्ही गंगा कलेजे से लगाए हुए हो श्राप उसे कोई नहीं लग सकता। सही सजा जो देना चाहते दीजिए, तुम्हारा दोष है। जानते नहीं अछूत मंदिर की सीढ़ियों पर पांव नहीं रख सकते। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि किस लिए आप अपने भगवान के द्वार से हमें दूर रखते हैं। किस लिए? इसलिए कि आप डरते हैं कि हम आपके भगवान के सामने आपके जुर्मों का भाना न हो। क्या जा रही हो बहन? हाँ बहन, ये बला आई तो ये दिन देखना पड़ा हमें। चाकरी गई, जनकगढ़ से निकाले गए, खाने खिलाने पड़े, दाएं बच गए तेरे माँ बाप कि जल्दी ही पीछा छुड़ा लिया तुमसे। हम नगर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ और सुनो, हम जहाँ भी जाएं किसी को ये मालूम ना होना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या जात है हमारी और कहाँ के रहने वाले हैं। मेहनत मजदूरी करेंगे पेट भरेंगे। अच्छा तो तुम ये उठा लो, मैं गंगा को उठा लेता हूँ।
मंगल सिंह घाघरे और ओढ़नी में। मंगल सिंह तुम इसी पोशाक में जगते हो, इस बैरूप में जो कमी बाकी रह गई है उस कमी को हम पूरा किए देते हैं। नोच डालो दाढ़ी मूछ इस कायर की, औरत के मुंह पर दाढ़ी मूछ शोभा नहीं देती। नहीं राजकुमारी, महाराणा महारानी और नन्ही कमला का कोई पता नहीं मिल रहा। मंगल सिंह ने मरते दम तक कोई लफ्ज मुंह नहीं निकाला। चाचा जी, जनकर आपने जीता, आपको मुबारक। नहीं राजकुमारी, जनकगढ़ अमानत है तुम्हारे पिता महाराणा भगत सिंह की, हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। जब तक उनकी कोई खबर ना मिले तुम्हें राजभार संभालना चाहिए बेटा, हम तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। क्यों, क्या काम है तुम्हें मुझसे? एक बात पूछनी है। क्या? सब मूर्तियों की सूरत तुमसे क्यों मिलती है? सब मूर्तियों की सूरत तुम्हें मुझसे मिलती नजर आती है। तुम्हारा भेजा खराब हो गया है। लो, जवाब नहीं बना तो कह दिया भेजा खराब हो गया है। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या कहती? कहती मूर्तियां बनाने वाले को ना भूल जाए, इसलिए बनाने वाला समा गया है। गंगा, अरे अब उतर आना नीचे। मुझे यही पड़ा रहने दो। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है? नहीं भाई, मेरा कोई नहीं। बापू, इसका कोई नहीं। बापू, हम इसे अपने झोपड़े में ले चले। हम हमारी जात, हम कंगाल, कोई बड़ा आदमी हमारे झोपड़े में आना पसंद करेगा? क्यों बड़े आदमी, चले चलो ना, अच्छे हो जाओ तो जहाँ जी में आए चले जाना है। चले चलो ना। पूछती हूँ ये क्या मुसीबत उठा लाए घर में? बेचारा काम करते करते गिर पड़ा, गंगा को तरस। मगर है कौन? कोई होगा। कोई होगा जो बिना जान पहचान एक अजनबी को यूं घर ले आए। अजनबी? लो ये गरम गरम दूध पीजा। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों, तुम्हें क्या मतलब मेरे नाम से? कुछ नहीं। लाओ इधर लाओ हाथ, लाओ पकड़ो तो बेटा। बस हमें तो यही एक इलाज याद है, देखा दो ही दिनों में अच्छे हो जाओगे। किस्मत अच्छी थी, हड्डी नहीं टूटी। लाओ गर्म कर लो। नहीं जी,
कर लो। गंगा बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ जो तुमने पूछा था वो बताए। मैंने तो कुछ नहीं पूछा, सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा। ये ना बताना चाह ना सही। सुनो, मेरा नाम मधुसूदन है, मैं जनकगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ मेरी एक हवेली है बहुत बड़ी, उसमें मेरे गुरुदेव रहते हैं जिनसे मैंने मूर्तियाँ गढ़ने का काम किया। और तुम्हारे माता पिता? सुना है कभी थे, अब दुनिया में और तो कोई नहीं। हाँ यहाँ तो दोस्त थे। तो तुम उनके पास जाना चाहते हो? नहीं, उन्हें भी यहाँ ले आओ तो अच्छा है। यहाँ? घबराओ नहीं, वे बेजुबान मेरे रथ के दो बैल। तो तुम्हारी दोस्ती जानवर होते हैं? दोस्ती के मामले में जानवर इंसान से बेहतर हैं। जल्दी दोस्ती नहीं करते मगर निभाते देर तक, और फिर मेरी सब सुनते हैं अपनी नहीं कहते। गजराज कुटी में है मेरे दोस्त, उन्हें लाकर यहाँ बांध दो। और देखो ये लो कुछ रुपए घास लाने के लिए। ना लो ना। अरे ले लो ना। क्यों, ये क्या हो रहा है? ये क्या है, ये ले लो क्या है? गंगा को कुछ रुपए दे रहा हूँ, लेने से घबरा रही है। अरे भाई तुम बाप बेटी मुझे भी कुछ सेवा करने दोगे कि नहीं? ला मैं ले लेती हूँ। गंगा को 2 रुपए दे दो। काहे को? घास लाने के लिए। घास? चोरी? ये घास खाता है? नहीं, इसके बैलों के लिए। बैल कहाँ है? अभी लाती हूँ। ले। और ये बाकी रुपए रखो अपने पास। दर्द कम नहीं हुआ मेरी माँ ने? थोड़ा सा ऐसा दारू पियो दवाई के तौर पर। मेरी कमर जब दुखती है तो तुमसे क्या छुपाना, बस कितनी सी शराब पी लेती है दवाई के तौर पर। गंगा का बापू शराब को बुरा समझता है, तुम कहोगे तो ला देगा। कल रात से मेरी कमर फिर दुख रही है। दवाई के तौर पर समझ गए। लाओ तुम्हारा मुंह धो दो। रहने तो शेरों के मुंह किसने धोएगी? अरे लाओ ना धो देती हूँ। देखा क्या चांद सा मुखड़ा निकल आया? तुम्हारे हाथ में चक्कर कैसा? नसीब का चक्कर होगा। मधुसूदन क्या हुआ? मधुसूदन मैंने कल एक बड़ा ही सुहाना सपना देखा। जमुना के किनारे, एक किनारे पर मैं खड़ी हूँ। जमुना के किनारे गंगा, बड़ा गंगा जमुनी सपना होगा। हाँ, एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर मोर मोर, हाथ में बांसुरी, गले फूलों की माला। कल जमुना तट पे आओगे, 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 आओगे। कल जमुना तट पे आओगे, आओगे।
चली हमारे मन की, हमारे मन की, तुम आकर इसे खिलाओगे, तुम आकर इसे खिलाओगे, आओगे 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 आओगे। कल जमुना तट पे आओगे 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 आओगे। तुम मन का कमल खिलाओगे, तुम मन का कमल खिलाओगे, हम फूले नहीं समाएंगे, हम फूले नहीं समाएंगे, हम तो अपने मधुसूदन के, मधुसूदन के, मधुसूदन के, हम तो अपने मधुसूदन के, मधुसूदन के, मधुसूदन के, चरणों में नैना बिछाएंगे, चरणों में नैना बिछाएंगे, आओगे 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 आओ। मधुसूदन मधुसूदन मधुसूदन, मैं कई बार चिल्लाई मगर तुम अवश्य छोटी छोटी, इतने में मेरी आंख उठकर देखा तुम खटिया पर सो रहे, तब जान में जान आई, और अब जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम्हारे फसल मोर मुकर दिखाई देता है। मधुसूदन तुम मुझे भगवान दिखाई देते हो। गंगा मेरी हंसी उड़ा रही हो, भूल कर रही हो गंगा, जो भगवान के नाम से कोसों दूर भागे उसे भगवान कहकर उसका अपमान कर रही हो। मेरी नजरों में भगवान एक बुत बनाने वाला, मेरा और उसका धंधा एक है, बुत मैं बनाता हूँ बुत वो बनाता है, फर्क सिर्फ इतना यहाँ बुत पत्थर के वहां बनाने वाला पत्थर का। मधुसूदन अच्छे बने तो मान नहीं सकते, बुरे बनकर पशेमान नहीं होते, मगर उसके बुत बनते ही उसे बनाने लगते हैं, अपने आप में उसकी कमजोरियां ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, ढूंढते हैं और बेचैन हो जाते हैं। यही वजह है कि उनके बचपन के हसीन मुखड़े बिगड़ कर बुढ़ापे की भयानक सूरत अख्तियार कर लेते हैं। मेरे बुतों को न शिकायत न शुक्र की आदत, और सबसे बड़ी खूबी मेरे बुतों में यह है कि उनकी गर्दनें झुकना नहीं जानती, और उसके बनाए हुए बुत एक दूसरे के हाथों बिक जाते हैं, एक दूसरे के सामने झोली फैलाकर भीख मांगते हैं, और यूं अपना और बनाने वाले का अपमान करते हैं। मधुसूदन कहाँ चल दिए भैया? जनकगढ़ जा रहा हूं। अच्छा हो गया, अब मुझे अपना रास्ता लेना चाहिए। आप लोगों ने जो मेरी सेवा की है उसका एहसान मंद ठहरो, तो जाते हुए गंगा से मिलकर न जाओगे? नहीं मेरे पास समय नहीं। वो अभी आती होगी। नहीं मैं नहीं रोक सकता। बापू देखो ये मधुसूदन के लिए लाई हूँ। मधुसूदन वो तो चला गया। चला गया कहाँ? जनकगढ़। जनकगढ़ कब? अभी, वो देखो उसका रथ जा रहा है। मधुसूदन मधुसूदन मोरा दिया भर आएगा, दिया भर आएगा, दिया भर आएगा, मुख कुमल आएगा, सुना सु
आएगा जइयो ना जइयो ना पीछे मोरा जिया भर आएगा जिया भर आएगा जिया भर आएगा मुख कुमल आएगा कछु ना फुहाएगा जइयो ना ऐसों से क्या मोह बढ़ाना ऐसों से क्या मोह बढ़ाना जो नहीं सीखे प्रीतन पाना जिनका ना घर बार कोई ठिकाना कोई ठिकाना जिनका ना घर बार कोई ठिकाना कोई ठिकाना माना जी माना हमने माना जइयो ना बिते मोरा जिया भर आएगा जिया भर आएगा जिया भर आएगा मुख कुमल आएगा कछु ना सुहाएगा जइयो ना हम चलिए चल मैं मत आना हम चलिए चल मैं मत आना स्वप्न है हम बस मन भर माना स्वप्न है हम बस मन भर माना हमारी हंसी उड़ाने निकले दिल की हसीना उड़ाना हमारी हंसी उड़ाने निकले दिल की हसीना उड़ाना ताना पेलोती दिल ताना से जइयो ना बिते मोरा जिया भर आएगा मुख कुमल आएगा कछु ना सुहाएगा जइयो ना हम नहीं कहते पास बुलाओ हम नहीं कहते पास बुलाओ हम नहीं कहते मन में बसाओ हम नहीं कहते मन में बसाओ जो अखियां दर्शन की चाहती जो अखियां दर्शन की चाहती उनकी अरज है कि दूर न जाओ अंधेरा था जाएगा दिल बुझ जाएगा जुल्म हो जाएगा जइयो ना क्या चाहती हो यही कि या जाओ नहीं या साथ ले चलो बापू तुम्हारा जनकगढ़ जाने के लिए राजी हो जाएगा मैं जो कहूंगी बापू मानेगा तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं मगर बापू की तो लाडली गंगा हूँ मजदूरी करते हैं जहाँ काम मिलता है तो क्या जनकगढ़ में ना मिलेगा बैठो तो आप हम जनकगढ़ जा रहे हैं इसलिए कि गंगा को मधुसूदन से देखे बिना चैन नहीं अच्छा कहाँ राजा भोज और कहाँ क्या बापू हम बरसों के बाद जनकगढ़ आए हैं बापू सुना है वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है वहाँ एक बड़ा ही सुंदर भगवान होगा बापू भगवान
भगवान की सूरत मधुसूदन से मिलती है ना? मुझे क्या मालूम। अच्छा बस हमें मंदिर में जाना क्यों मना है? गंगा अपना काम किए जा। हाँ बापू, अगर हम चोरी चोरी जाकर भगवान के दर्शन कराए तो बापू? गंगा बचपन में ही सुनी एक बार। क्या हुआ था बचपन में बापू? कुछ नहीं बापू। जाओ बापू, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम करती हूँ। नहीं, मैं अपना काम आप करूँगा। मेरे लाडले बापू। नहीं वाह, तुम लाडली गंगा कहो, मैं झट से मान जाऊँ, और मैं लाडला बापू कहूँ तो तुम मानो ही नहीं। हटो ना बापू, हटो ना बापू। सीधी घर आई हो बापू? मधुसूदन से कहना मैं अभी आती हूँ। छोकरी, मधुसूदन को मालिक कहकर पुकारा करो। मालिक मालिक। क्यों, काम खत्म हो गया? वो आ गया मधुसूदन। मधुसूदन छोकरी, तुझे 100 बार कहा उसे मालिक कहकर पुकारा करो। मधुसूदन मधुसूदन, सुना तुमने? बापू कहता है तुझे मालिक कैसे पुकारो। तू तू और मालिक। गंगा गंगा, मैं दिल के दरवाजे जितनी मजबूती से बंद करता हूँ तुम उतने ही जोर से खटखटाती हो। गंगा समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ताकि तुम मेहमान बन कर आओ और मालिक बन जाओ। बापू सुना तुमने, गंगा ने मुझे सुन को मालिक कैसे पुकारा। ये क्या कर रहा है? नील कमल, पत्थर का कमल घर लिया। क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे इस तालाब में एक नील कमल खिले, पर नहीं। आज मुझे ये सूझी, अब इसे यहां लगाकर अपना जी खुश कर लिया करूंगा। मधुसूदन, पत्थर के कमल शोभा नहीं देते मधुसूदन, पत्थर के होते हैं वो देवता जिनके चरणों में ये कमल अर्पण किए जाते हैं। बेटा, फूल और पत्थर के पागल तो नहीं हो गया? आओ तुम्हें राजकुमारी के पास ले चले। राजकुमारी, ये मेरा शिष्य, आप इसका काम देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, आशाश कर उठेंगे। अच्छा, देखें तो इसकी कारीगरी का नमूना। जो आ गया। ठहरो, हम इस शिष्य का नाम पूछ सकते हैं? राजकुमारी, इसका नाम? मेरा नाम मधुसूदन है राजकुमारी। मधुसूदन, शायद बुत बनाना सीखे, बात करना नहीं सीखे। बापू तो क्या आज नहीं आए मधुसूदन? वो राजमहल में काम पर लगा है, तो समझते क्यों नहीं? नहीं आया। आज भी नहीं आया। आया था,
लेता, उसे इतनी फुर्सत नहीं कि जब आए तो याद से गंगा के लिए संदेशा छोड़ जाए। काम में खोया हुआ है, भूल गया होगा। बापू बापू क्यों, क्या हुआ, आज इतनी खुश क्यों है? बेटा राजमहल की दासी बन गई है। बापू बापू अब मैं मधुसूदन को मिलने जा रही हूँ। और हाँ, अरे ना ना, और बापू देखो ये फूलों के गहने राजकुमारी शाम को पहनती है, सुबह फेंक दे। बेला जरा देखना क्या हंसी उड़ाती है मधुसूदन की। तुम सिर्फ इतना कहना कलाकार राजकुमारी पधारी है। मगर ये मैं क्यों कर कहूँ? क्यों जी, क्या मैं राजकुमारी नहीं दिखाई देती? देती हो, मगर राजकुमारी यूं खुजलाया नहीं करती। गुरुदेव, राजकुमारी मेरी कल्पना से खुश नहीं होंगी। जरूर होंगी गुरुदेव। कलाकार राजकुमारी पधारी हैं। नमस्कार राज। गंगा कलाकार पूछो, राजकुमारी आप पधारी हैं? मैं तो आपको बिल्कुल भूल चुका था। गंगा तेरा बचपन ना गया, यहाँ भी आ पहुंची तू। कलाकार जरा हमें भी तो समझाओ कि इतने दिनों से क्या झक मार रहे थे। तुम नहीं समझ सकोगी। समझा दो। समझा दो। देखो ये जिंदगी है, मेरी नजरों में मैं समझता हूँ जिंदगी के दो चेहरे, दिखाने के लिए एक लुभाने वाली सूरत मगर दरअसल भयानक डरावनी। ये कश्मकश और उलझनों की तस्वीर जिंदगी है। झोली में बांटने को पीर, निराशा, हसरतें, नाकामियां, एक हाथ में फूल और दूसरे में कांटे, ये हाथ फैलाने को तो ये कलेजा नोचने को, ये हाथ दिया लेकर राह दिखाने को तो यही पांव बार बार ठोकर खाने को। उन होठों पे मुस्कान, इन आंखों में तीर, ये पत्थर की तस्वीर जो अपने बोझ से खुद बखुद झुकी जा रही है जिंदगी, और ये मौत है, दुनिया समझती है भयानक बेरहम, मगर वो शर्माई हुई कली जिसके होठों पे मुस्कान है लेकिन मुंह में जबान नहीं। मौत माँ की ममता की तरह बच्चा अच्छा हो या बुरा, खूबसूरत हो या भोंडा, कलेजे से लगाकर जुदा करना नहीं जानती। मेरी नजरों में ये दया और प्रेम की देवी मौत है जो थके मानों को गोद में लेकर प्यार से थपकियां देकर मीठी नींद सुला देती है, जिसे अपने आंचल में लेती है वो दुनिया के दिए हुए दुख, जिंदगी के लगाए हुए खाओ सब भूल जाता है। न दूसरों की कहानियां याद रहती हैं, न अपनी नादानियां। मौत जिंदगी से कितनी हसीन है। कलाकार राजकुमारी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। मैं धन्य हुआ राजकुमारी। आगे राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी आपका महलों में इंतजार हो रहा है और आपकी दासी आपसे कहने राजकुमारी, राजकुमारी दोष मेरा है, मैं आपके फेंके हुए फूलों के वस्त्र उठाकर लाई थी, मैंने गंगा को राजकुमारी। मधुसूदन मैं राजकुमारी नहीं।
अच्छा मैं तुम्हारी तुम्हारी हंसी उड़ाने आई मेरी अपनी तुम गंगा हो आओ मधुसूदन सोचते क्या हो जाकर राजकुमारी से क्षमा मांगो जाओ तो क्या चाहता है मधुसूदन क्षमा अपने लिए नहीं ओह उस गुस्ताख के लिए जो हमारी हंसी उड़ाकर तुम्हारा जी बहला रही थी हंसी तो गंगा मेरी उड़ाने आई थी हमारी नकल उतार कर मधुसूदन इस अपराध की सजा जरूर मिलनी चाहिए तो मैंने जो गंगा को राजकुमारी कहकर पुकारा मैंने भी तो अपराध किया वैसे तो हमने भी आते ही कहा कि चलिए राजकुमारी आपका महलों में इंतजार हो रहा हमने अपराध किया आपने जो कहा चलकर कहा और तुमने तो यूं ही सही जब गंगा को राजकुमारी समझकर मैं अपने बनाई हुई मूर्तियों को सराह रहा था मैं अपने आप को धोखा दे रहा था धोखे बाद तो कहिए आपने उन दोनों को क्षमा किया दोनों के लिए क्षमा मांगते हो चालाक हो अगर अकेली क्या नाम है उसका गंगा अकेली गंगा के लिए गिड़गिड़ाते तो सजा दुगनी की जाती बाद पढ़ो उठो बेला जाओ मधुसूदन देखो जो फूल तुम्हारे सर चढ़े थे मेरे पांव पर मधुसूदन मैं जानती थी मेरे भगवान गंगा फिर वही पागलपन की बात मुझे भगवान से नफरत है और तुम हो तो मुझे बार बार तो पापी प्रभु फिर आंख में चोली क्यों खेल रहे हो मेरे दिल से छुड़ाने क्यों आ गए समय याद है तुम मेरी हंसी उड़ाने आई थी अब मैं आया हूँ तुम्हारी हंसी उड़ाने मधुसूदन सवाल जिंदगी और मौत का है हमें वो मूर्तियां बेहद पसंद है हालांकि न जिंदगी जिंदगी है और न मौत मौत तो फिर आपने उनमें कौन सी खूबी देखी तुम्हारी मूर्तियों में एक ही तो खूबी होती है वो बनाने वाले की याद दिलाती है ना सुनो कलाकार नहीं सुनो मधुसूदन उन दोनों में से एक तो जरूर हमारी भेंट चढ़ानी होगी जिंदगी दो तो हम बहुत खुश होंगे राजकुमारी मौत जिंदगी का साथ नहीं छोड़ेगी जिंदगी नहीं मौत मांगती हूँ ये जिंदगी से कहीं हंसी है कलाकार उठो वक्त कैसे है तुम्हारे हमारे वक्त मधुसूदन हमारे जख्म वो फुलवारी है जिन्हें खून से सींचा जाता है ये नहीं सूखेंगे गुरुदेव गुरुदेव इस लड़की को क्या हो गया हाँ गुरुदेव ये निर्दय कहता है मैं तेरा भगवान नहीं और जबकि मेरा दिल बावला है तेरा दिल समझ पर पड़े हैं तेरे पत्थर पत्थर घड़ने वाले तू दिल की बातें क्या जाने अगली लड़की दिल अंधा है इसे कब दिखाई दिया इसकी नहीं मानते आंखें तो देख रही हैं कि मैं क्या हूं आंखें देख रही है गंगा बेटा आंख जो देखे है सूखा खाए और दिल जो अंधा है वो राह बतलाए आओ
कुमारी से शादी बना दिया कलाकार। बुत साल हम चाहते हैं हमारा बुत बनाते बनाते खुद बुत बन जाए, ताकि हमारा बुत बुत बने हुए बुत साल की हंसी उड़ा सके। राजकुमारी दिल मर्द का और ये आंखें औरत की नहीं। आज जो देखे है धोखा खाए हैं, आज जो देखे है धोखा खाए हैं, जो अंधा है वो राग बदलाए हैं, जो अंधा है वो राग बदलाए हैं, आंख जो देखे है धोखा खाए हैं, आंख जो देखे है धोखा खाए हैं, आँखों की सुने बनी माने, आँखों की सुने बनी माने, आँखों की सुने बनी माने, किस चोर को कैसे पहचाने, हाँ पहचाने, हाँ पहचाने, वो बन कर नूर निकलता है, वो बन कर नूर निकलता है, तारे लगते हैं शर्माने शर्माने, तारे लगते हैं शर्माने शर्माने, हम शबनम बन कर रोते हैं, हम शबनम बन कर रोते हैं, कलियां लगती हैं मुस्ताने मुस्ताने, कलियां लगती हैं मुस्ताने मुस्ताने, या हो है तमाशा या हम है, ये भेद से हो कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, ये भेद से कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, कितना मनोहर गीत है। गीत नहीं मधुसूदन, मुझ पाए दर्द निकला, मुझ पाए दर्द निकला, लोग समझे गीत है, गीत है, लोग समझे गीत है, गीत है, रूप में आया पलटने, रूप में आया पलटने, आँख बोले गीत है, गीत है, आँख बोले गीत है, गीत है। देखा कलाकार, एक तुम्हारी कला है जो तुम्हारी याद दिलाती है, और एक हमारी कला है जो अपने भी सुख बिसरा देती है। कारीगर जादूगर के सामने सर झुकाता है राजकुमारी, ये हाथ पत्थर घड़ने के लिए है, वो उंगलियां सोए गीत जगाने के लिए। परसों उत्सव, कल रात शहर में दीपमाला हो, दिए जले, हम चाहते हैं हमारे महलों की रोशनी, हम चाहते हैं तुम हमारे महलों में रोशनी करो। मैं आकर दिए जलाऊं? हाँ,
चलाओ। हाँ बाप, तब भी ये मधुसूदन मालिक की अटरिया पे जलाएंगे और जब वो रात को आएंगे तो देख के दंग रह जाएंगे। अरे ये सजावट गंगा ने की है। गंगा ने है और हम तो बेचारे बुढ़े सुबह से काम करके मर गए तो हमारा नाम ही नहीं। क्यों ठहरो मधुसूदन, हमारा हुक्म है कि आज रात जलने वालों का साथ दो। अरे ये क्या, पहले तो रास्ते में फूल बिछाए और अब उठा रहे हो? ख्याल आया कहीं फूलों के साथ कांटे ना हो, इसलिए पंखड़ियां बिछाई जाएंगी। कहीं वो आए। अरे वो आए तो? नहीं माँ, वो आते ही होंगे। अरे उठ, अब कब तक राह देते? अब वो नहीं आएंगे। जरूर आएंगे, कैसे भूल जाएंगे इन जगते हुए दियों को और इन राह में बिछी हुई पंखड़ियों को। राजकुमारी, सुरों में क्या जादू होता जो सुनने वाले झूमने लगते? सुनने वाले झूमने लगते हैं मधुसूदन, मगर समझने वाले कांप उठते हैं, इसलिए कि चोट खाए हुए तारों के दिल की धड़कनों का नाम संगीत है। सुनी रातों को जब मेरी वीणा से निकले हुए सुरों की थरथराती हुई आवाज दूर उन तारों के कानों तक पहुंचती है तो कोई ना कोई दिलदला टूट पड़ता है आसमान। तारा गिरा आसमान से बापू। तो फिर शायद मेरा भगवान गुजरा है इस रात, ये उसी की पांव की ठोकर से गिरा है बापू। जिसका पैर छूकर कोई गिर जाए वो भगवान नहीं हो सकता। क्या इतनी भी पहचान नहीं तुझे? अब तो दिए भी ऊँगने लगे। जाकर सो जा। नहीं बापू, मैं अभी राह देखूंगी। नगर लड़के अगर मुस्कराए, नगर लड़के अगर मुस्कराए। बयानों की दुनिया में उनको बसा कर, बयानों की दुनिया में उनको बसा कर, अगर शर्म के कोई गर्दन झुकाए तो जो मोहब्बत की है इंतज़ार है, तो समझो मोहब्बत की है इंतज़ार है। अगर चुपके हाथ बहाए, अगर बात दिल की दिल से छुपाए, अगर चुपके हाथ बहाए, अगर बात दिल की दिल से छुपाए, ये
चंद सहनी हुई हजरतों को लिए चंद सहनी हुई हजरतों को अगर अपनी बर्बाद दुनिया बसाए दुनिया बसाए तो समझो मोहब्बत की इंतहा है तो समझो मोहब्बत की इंतहा है जो वो इब्तिदा थी तो ये इंतहा है। कलाकार मोहब्बत की इब्तिदा है हासिल करने के लिए परेशानी और मोहब्बत की इंतहा अर्पण होने के लिए बेकरारी। तुम्हारे बनाए हुए राजकुमारी के बुत के पास से गुजरा ऐसा मालूम हुआ कि बुत जी उठा थे पत्थर के बुत को देखकर आपको जिंदगी का धोखा हुआ है। ये मेरा कमाल है गुरुदेव तुम्हारा कमाल। मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे बनाए हुए बुत ने कुछ कहना चाहा। राजकुमारी का बुत बोल उठा नहीं मुझे तो कहा उसने तुम्हारी कला बोल रही और कहना चाहती थी कि कोई मधुसूदन से कह दे क्या गुरुदेव यही कि कलाकार अगर ख्वाहिशों के हाथ बिक गए तो खुद बनाते बनाते खुद एक बदनुमा खिलौना बनकर रह जाओ। समझो आसमान में उड़ने वाले मधुसूदन किन जंजीरों में जकड़े जाने के ख्वाब देखने लगे। भगवान को ठुकराने वाले मन से सर ऊंचा करने वाले जो गर्दन न झुकाओ यो स्त्री से बाजी न हारो। स्त्री से बाजी हारने से झुकाऊंगा भूल रहे वो मधुसूदन गंगा स्त्री नहीं गंगा आत्मा है रूह है और रूह की आवाज न सुनने वाले सैकड़ों है। मगर राजकुमारी राजकुमारी शरीर है औरत की जवानी है उसे ललचाई हुई नजरों से न देखने वाले बहुत कम। तो फिर क्या फिसल कर आत्मा का गला छोड़ दोगे और कला से संबंध तोड़ लोगे। मधुसूदन राजकुमारी ये राजकुमारी नहीं तुम्हारी कला बोल रही है और कहते हुए शर्माती है। सुनो कलाकार अगर ख्वाहिशों के हाथ बिक गए तो बुत बनाते बनाते खुद एक बदनुमा खिलौना बनकर रह जाओगे। समझो आसमान पर उड़ने वाले मधुसूदन किन जंजीरों में जकड़े जाने के ख्वाब देखने लगे। भगवान को ठुकराने वाले कमन से सर ऊंचा करने वाले मधुसूदन यूं गर्दन न झुकाओ यूं स्त्री से बाजी न हारो। रात तो ऐसे ही कटती अब कब तक रात देखी कुछ सूरज निकल आया। आया कोई नहीं आया मैंने कहा सूरज निकल आया। तुम मधुसूदन घर आना भूल गया। हाँ हाँ कल रात को नगर में रोशनी ज्यादा थी इसलिए घर का रास्ता ही भूल गया गंगा को भूल गया और न जाने बस बस मां भूल जाते हैं भूल जाते हैं भूल जाया करें
आते हैं आजमाया कर आजमाया कर आजमाया कर आजमाया कर मेरी किस्मत में नाम राजी है मेरी किस्मत में नाम राजी है हंसने वाले हंसी उड़ाया करे हंसने वाले हंसी उड़ाया करे भूल जाते हैं भूल जाते हैं भूल जाया करे भूल जाया करे भूल जाया करे भूल जाया करे साज गूंजे साज गूंजे तड़प उठे सब साज गूंजे तड़प उठे सब ऐसी वो लगाया करे खेत ऐसी वो लगाया करे भूल जाते हैं भूल जाते हैं भूल जाया करे भूल जाया करे भूल जाया करे भूल जाया करे हसरत मेरी हसरत मेरी रूठ जाएगी रूठ जाएगी मेरे सपनों में गुना आया करे मेरे सपनों में गुना आया करे ना आया करे भूल जाते हैं भूल जाते हैं भूल जाया करे भूल जाया कर भूल जाया करेगा मगर हम जा रहे हैं मालिक जनक पर पहुंच कर मंदिर के पास आकर निराश जा रहे थे मालिक सोचा था इसे जीतूंगी और एक दिन भगवान से नफरत करने वाले को मंदिर में ले जाकर खड़ा कर दूंगी तब राधा का भगवान मेरे भगवान को देखते मुस्कुरा दे तुम्हारा सर छूट जाएगा और मैं चोरी चोरी प्यार से तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर पाऊंगी गिरधर दिल का अच्छा है मामला यू ही अकड़ता है दया कर दो इस पर मधुसूदन अब मुझसे कहा गया मधुसूदन
जहां भी हो उसे हमारे सामने हाजिर किया जाए। गंगा रो नहीं, गंगा कर सको तो क्षमा कर दो। देखो आज दिन अच्छा है ना, आज मेरी तुम्हारी सगाई होगी गंगा। मधुसूदन मालिक कैसे पुकार रही? गुरुदेव चाहते हैं मैं तुम्हें अपनाऊं। मगर मेरा बापू? उन्हें मना लेंगे गुरुदेव। आपको राजकुमारी ने बुलाया। तो फिर मधुसूदन? घबराओ नहीं, मैं मुहूर्त के समय पे पहुंच जाऊंगा। तुम जाके घूम फिर के मेला देखा और देखो जब तुम्हारे बापू के साथ बातें तय हो जाएं तो सच सच के तैयार रहना। और सुनो मंदिर ले चलोगी तो? तुम चलोगी? ले चलो तो। आप ये क्या कहते हैं गुरुदेव? मगर ये कैसे हो सकता? हम कंगाल, वो हमारे मालिक। छोड़ो ये बातें, मधुसूदन मेरा हुक्म नहीं डाल सकता। मधुसूदन जिन्हें ऊंचे महलों से बुलावे आए वो क्यों जाए गरीबों के झोपड़ों में? राजकुमारी मजबूर है, मेरा दिल पहते पानी की तरह है जो निचान की तरफ खुद ब खुद बहता चला जाता है। ऊंचे महलों की सीढ़ियों पर मौज में आए तो चढ़े। मधुसूदन रास्ते में पड़े हुए कंकड़ से आंखें हटाकर मंदिर के कल्प पर नजर डालना थी। तुम्हारी नजरों में सुनहरे कल्प की कोई कीमत नहीं? मंदिर और मंदिर के कल्प का बोझ बुनियादों के खामोश पत्थर उठाए हुए है। राजकुमारी बुलंदियों पर घमंड करने वाले दूसरों के कंधों पर सवार होते हैं, इसलिए उन पर तरस खाना चाहिए। कलाकार तुम सब जाओ, तराजू लो और तोलो मधुसूदन। तोले तो हल्का पलड़ा ऊपर और भारी नीचे रहता है राजकुमारी। Thank you.
ये आज क्या होने वाला है? मेरी सगाई। किससे? मधुसूदन। नहीं, तेरी सगाई मधुसूदन से नहीं हो सकती। माँ। हाँ, नहीं हो सकती तेरी सगाई मधुसूदन से। क्यों माँ? जिस बात को आज तक तेरा बाप छुपाए रहा, वो आज मेरी जबान से सुन ले। मैं तो है माँ, अपने मतलब के लिए क्यों किसी भले आदमी का धर्म नष्ट करती हो? इसलिए कि तुम उसे प्यार करती हो माँ? यही नहीं कि हम मेहतर हैं? तेरे माँ बाप कौन है ये भी आज तक किसी को पता नहीं। माँ, माँ मैं कब तेरी माँ थी? राजकुमारी, तो अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं और हमेशा के लिए जा सकते हैं। आपकी मूर्ति अधूरी है। अधूरी है? कर दी पूरी। हाँ माँ, ऐसे ही होगा। मेरी सगाई मधुसूदन से नहीं होगी। गंगा, 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 हरिओ गंगा। लोग, अब तुम हमें ढूंढने निकले तो हम खो जाएंगे मालिक। तुम्हारी दासी बनने के लायक नहीं मालिक। राजकुमारी, आपकी छोटी बहन का पता मिल गया है। वो लोग उन्हें यहाँ ले आए। उन्हें ले आए राजकुमारी? धोखा देके इनाम हासिल करना चाहते हैं। ये कमल नहीं, मेरी छोटी बहन के दाएं हाथ में कथा। गंगा, 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 ओ गंगा, गंगा। हाँ हाँ, गंगा राजकुमारी की छोटी बहन है। हाथ में चक्कर नहीं देगा, जो उसे राजकुमारी के पास ले आएगा उसे 1000 मोहरे इनाम मिलेंगे। गंगा, 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 गंगा। तुम इनके साथ जाओ। गंगा, 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 गंगा। मैंने ढूंढा है गंगा जी को। मुझे 1000 मोहरे इनाम मिलना चाहिए। मैंने ढूंढा है, मैंने ढूंढा है, मैंने ढूंढा है गंगा को। गंगा, 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 मैंने ढूंढा है गंगा को। मुझे इनाम मिलना चाहिए।
सलाहकार, हम दोनों बहनें तुम्हारी शुक्रगुजार हैं। कमर, बावले यहां कब तक ऐसे बैठा रहेगा? समझ ले एक स्वप्न देखा था, आओ उस स्वप्न को भूलने की कोशिश कर। चल उठ बेटा। गुरुदेव, गुरुदेव नील कमल, गुरुदेव नील कमल, गुरुदेव जिस तालाब में कभी कमल नहीं होगा वहां पर नील कमल, और वो भी वहां जहां गंगा ने डूबकर जान दी। बुलाया भी तो यूं, जो मुझे यहां लेकर आने वाली थी उसे मैं लाया हूं तुम्हारे चरणों में अर्पण करने। लो।